चलिए। आज हम बात करते हैं यहाँ पे रियल टाइम इंफ्रा के ऊपर, और जो बात करेंगे वो होगा बीपीसी के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा बीपीसी है क्या, और बीपीसी आपका इंफ्रा का सबसे पहला पार्ट आता है। इंफ्रा मतलब जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो, या फिर आप टीसीएस में वर्किंग हो या फिर विप्रो में वर्किंग हो, तो कंपनी को जब प्रोजेक्ट मिलता है, मैंने कल एग्जांपल दिया था यूएसए गवर्नमेंट, या फिर कहीं से भी जब प्रोजेक्ट आता है, तो उस प्रोजेक्ट के आने के बाद जो इंफ्रा की टीम होती है उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है इंफ्रा का बनाना, इंफ्रा को बनाना। तो इंफ्रा के अंदर सबसे पहला काम, अगर आप AWS क्लाउड में हो या Azure क्लाउड में या Google क्लाउड में, अगर आपने इंफ्रा बनाना है, तो इंफ्रा की बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप नंबर आता है VPC। और उस VPC के अंदर आपको एक नेटवर्क लेना पड़ता है, उसके अंदर सबनेटिंग करनी पड़ती है, वो इंफ्रा का पार्ट आता है। तो अगर आप कंपनी में वर्किंग हो, तो अगर रिसेंटली आपने ज्वाइन किया हो, तो ऑलरेडी आपकी कंपनी के अंदर इंफ्रा बना होगा, आपको इंफ्रा बनाने नहीं दिया जाता। जब आपको एक्सपीरियंस होता है 5 या 6 ईयर, आपको मल्टी टेक्नोलॉजी आती है, तो जब कंपनी को नया प्रोजेक्ट आता है तो वो एक नया इंफ्रा बनाती है। अब इंफ्रा बनाने के लिए मल्टीपल्स ऑप्शन होता है, मैनुअल यूज कर लो, टेराफॉर्म का यूज कर लो, क्लाउड फॉर्मेशन का यूज कर लो, तो कंपनी आज नाउडेज ऑटोमेशन भी यूज कर। तो इस बीपीसी के अंदर इंटरव्यू, या फिर आप क्लाउड की एग्जामिनेशन दे रहे हो, क्लाउड प्रैक्टिशनर या AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं, राइट। तो सब कुछ मैं बता के चलूंगा, और इसमें सबसे हम पहले हम बात करेंगे इंफ्रा कैसे बनाया जाता है कंपनी के अंदर जब आप वर्क कर रहे हो। तो एग्जाम्पल समझो, और मैंने एक बात और बताया था, कंपनी के अंदर जब आप इंफ्रा बनाओगे तो नेमिंग कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार फिर से समझना, ये क्लाइंट है हमारा, मतलब हम कंपनी में काम कर रहे हैं, और एक क्लाइंट, क्लाइंट कुछ किसी को भी ले लो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट ले लो, चाहे बैंक ले लो। तो यहाँ पे मैं अभी दे रहा हूँ SBI बैंक। तो इस SBI बैंक ने प्रोजेक्ट दिया किसी भी IT की एक कंपनी को, चलो मान के चलो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया कोफोर्ज। तो कोफोर्ज अच्छी कंपनी IT की, तो अगर आपने नाम सुना होगा कोफोर्ज का, राइट। तो इस कोफोर्ज में आप काम कर रहे हो एज अ AWS एडमिन। तो इस कंपनी को SBI बैंक ने क्या दिया, प्रोजेक्ट क्या दिया कि हमारी वेबसाइट है लोन के लिए, ये सारा आप वेबसाइट बना दीजिए, लोग ऑनलाइन ATM बुक कर ले, लोग ATM क्रेडिट कार्ड इशू कर ले, लोगों को ये सारी चीजें फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, SBI वालों ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कोफोर्ज। तो कोफोर्ज को जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट से, जब नए नए प्रोजेक्ट आते तो वैकेंसी तो आती है, तो आपकी हायरिंग होने लगती है। कहाँ पे? कोफोर्ज ने वैकेंसी निकाली, अर्जेंट हायरिंग, AWS इंफ्रा टीम, डेवॉप्स टीम, एज्योर गूगल क्लाउड टीम, है ना। तो कंपनी के अंदर मल्टीपल्स प्रोफाइल होती है जॉब के लिए। AWS, अगर कंपनी AWS यूज कर रही है, एज्योर यूज कर रही है, गूगल क्लाउड यूज कर रही है, डेवलपर को यूज कर रही है, डेवॉप्स इंजीनियर, तो वो अपने अकॉर्डिंगली प्रोफाइल को हायर करेगी और कंपनी में बुला लेगी। जब कंपनी में हायरिंग हो जाती है, मान के चलो यहाँ पे इन्होंने कुल मिला के 10 कैंडिडेट को हायर कर लिया, तो 10 लोगों की टीम है यहाँ पे। अब इस टीम को मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक टीम लीडर भी होता है, ठीक है, जो टीम को लीड करता है। टीम लीडर कौन होता है? आपको अच्छा खासा नॉलेज है, कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको बॉस बोलता है काम करो, आप टीम को लीड करो। यही होता है ना कि आपने कंपनी में काम कर रहे हो 6 7 7 साल 8 साल, पता चला कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे, अच्छा नॉलेज है, तो बॉस क्या बोलता है, आप काम करो, इस टीम को आप मैनेज कर लो। तो यहाँ पे 10 बंदे की टीम आ गई, प्रोजेक्ट आया SBI से। ध्यान से सुनना, कंपनी का रियल टाइम प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। अगर SBI ने कोफोर्ज को प्रोजेक्ट दिया, तो सबसे पहले बात आता है इंफ्रा, तो इंफ्रा SBI नहीं बनाएगी ना,
कोफोर्ज बनाएगी, तो कोफोर्ज ने टीम को हायर किया। तो इस टीम के अंदर मैंने 10 लिखा, तो यहाँ पे इंफ्रा की टीम भी होगी, डेवलपर की भी टीम होगी, सिक्योरिटी की भी टीम होगी, सारा टीम यहाँ पे बैठ के काम करता है। तो कोफोर्ज को जब प्रोजेक्ट मिला, तो अब आते हैं इंफ्रा बनाने में। तो इंफ्रा बनाने के लिए सबसे पहला नंबर वन टास्क वीपीसी, वीपीसी अगर मैं वीपीसी बोला तो आप इस वीपीसी के अंदर सब कुछ बना दोगे, ठीक है। ये रहा वीपीसी। अब कंपनी कोफोर्ज है, प्रोजेक्ट एसबीआई दिया, तो कोफोर्ज अपने नाम से नहीं बनाएगा वीपीसी, प्रोजेक्ट बनाएगा किसके नाम से, एसबीआई के, क्योंकि एसबीआई ने अगर ऑडिट करना चाहे, देखना चाहे कोफोर्ज में कि हमारा दिखाइए इंफ्रा आप किस क्लाउड में बनाए हो, AWS क्लाउड में दिखाइए कहाँ पे बनाए हो, हमें देखना है, तो आप उसके नेमिंग करवेंसी दिखाओगे ना, सर ये आपका वीपीसी है, ये आपका सबनेट है, ये आपका CIDR ब्लॉक है, ये आपका इंस्टेंस चल रहा है, ये सर्वर है, ये आपका SNS अलर्ट हो रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहे कौन, कोफोर्ज। कोफोर्ज ने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। तो सबसे पहले वीपीसी आप बनाओगे, तो वीपीसी में नेमिंग कन्वेंस वन मोर इम्पोर्टेंट टास्क यहाँ पे आता है, तो आप बनाओगे वीपीसीआई एसबीआई हाइफर प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, ऐसे हम देते कंपनी। अब आपने जब नाम लिखा, तो नाम के बाद यहाँ पे एक मैं आईपी एड्रेस डिफाइन करो, CIDR ब्लॉक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी के जो वर्किंग लोग होते हैं वो भी नहीं कर पाते, ठीक है। आपने यहाँ पे समझना है ये जो CIDR ब्लॉक है, अगर एसबीआई ने क्या बोला कि आप एक नेटवर्क बनाइए और अपने हमारे नेटवर्क में मैं एक अपनी कंपनी का नहीं शो करता हूँ, एक छोटी सी यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हूँ 196.43.197.01/16 लीजिए। तो एसबीआई वालों ने क्या बोला, ये हमारा नेटवर्क है, इस नेटवर्क में ही आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तो आप ऐसा करोगे अगर एसबीआई वाला दे रहा है, तो अगर नहीं देता एसबीआई वाला, 75% में कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अपनी नेटवर्क की आईपी एड्रेस आपको दे देते हैं, नहीं होता तो आप बैठे हो इस टीम लीडर में, एक टीम लीड होगा, वो बोले काम करो अपने ही इन्वायरमेंट से एक एड्रेस ले लो। तो मैंने जैसे लिया 10.0.0.0/16, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वीपीसी लिया, मतलब ये एक हो गया आपके, जब आप जमीन लेते हो ना, लैंड को परचेस करते हो, तो ये आपके लैंड की रजिस्ट्री हो गई। अब लैंड मतलब ये आपका वीपीसी, ये लैंड हो गया, इसके अंदर आपको जितने सबनेट बनाओ बनाइए, जो करना हो करिए, ये आप करोगे इस इंफ्रा के अंदर, इस वीपीसी के अंदर। जब आप कंपनी में काम करते हो, तो कंपनी एसबीआई का जब वेबसाइट होस्ट करोगे, तो ये बोलती है कि हमारे इतने क्लाइंट है, उसके हिसाब से आप इंफ्रा बना लीजिए। पहले मीटिंग होती है ना, कोलेबरेट होता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। कोफोर्ज ने अगर टेंडर लिया, तो कोफोर्ज सब कुछ मैनेज करेगा, चाहे पेमेंट गेटवे हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आती है क्लाइंट की, तो मैनेज करेगा एसबीआई के क्लाइंट को कौन, कोफोर्ज। कोफोर्ज ने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा। अब यहाँ पे कंपनी के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमें 4 सबनेट बनाने पड़ते हैं, 5 सबनेट, 3 सबनेट, ठीक है, तो वो क्यों बनाते हैं, और सबनेट आप बनाओगे तो वो वीपीसी के अंदर ही बनाओगे, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, एक हमने लिया वीपीसी, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीपीसी एसबीआई प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैंने एक CIDR ब्लॉक दे दिया। अब इसी CIDR ब्लॉक के हिसाब से आपने सबनेटिंग बनाना होगा, और इंटरव्यू में कई बार पूछता है कि वीपीसी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं वीपीसी, तो वीपीसी के अंदर आपका आ जाता है सबनेट, राइट, वीपीसी के अंदर आपका आ जाता है CIDR, ठीक है, जो आप असाइन करते हो, IGW इंटरनेट गेटवे, राइट, इसके अंदर आपका राउट टेबल आ जाता है, राइट, तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं वीपीसी के, जो इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट है। तो मैंने एक वीपीसी बनाया। अब इसके अंदर मान के चलो, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, कि हम कंपनी के अंदर 4 सबनेट बनाते हैं, 2 भी बना सकते हैं, तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 2 सबनेट, तो हम इसी वीपीसी के अंदर 2 सबनेट बनाएंगे, एक सबनेट ये होगा, दूसरा सबनेट ये होगा, राइट, ये रहा सबनेट 1, ये रहा सबनेट 2। अब देखो, सबनेट जब आप क्रिएट करोगे, तो उसमें भी नेमिंग कन्वेंस लेना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखा सबनेट
पहला आपका होगा पब्लिक। अब पब्लिक क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक सबनेट। दूसरा वाला हमारा होगा प्राइवेट सबनेट। पब्लिक मतलब क्या हुआ, आप एसबीआई जो प्रोजेक्ट लिए हो तो एसबीआई की वेबसाइट कहाँ पे होस्ट करोगे, पब्लिक सबनेट। मतलब पब्लिक मतलब पब्लिकली हम आके उसको एक्सेस कर पाए। प्राइवेट सबनेट ये डेटाबेस के लिए होता है। डेटाबेस मतलब कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि बाहर से आने वाले लोग हमारे डेटाबेस में चले जाए। डेटाबेस को ऑलवेज हम सिक्योर रखते हैं, ठीक है। तो हमने एक वीपीसी लिया, सीआईडीआर। अब देखो इसी सीआईडीआर ब्लॉक के हिसाब से आप गूगल में जाओगे, गूगल में जाके आप सीआईडीआर कन्वर्टर यूज करो। हर वर्किंग प्रोफेशनल उस कन्वर्टर को यूज करता है। मान के चलो आपके आपको एक आईपी एड्रेस दी गई, तो आप उसको 10.0.0.0/16 करोगे। आपको 10 सबनेट चाहिए, 5 सबनेट चाहिए, वहां पे पूछता है कितने सबनेट चाहिए। आप वो आईपी डालोगे, कन्वर्ट करके दे देगा, उसी रेंज को उठा के आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। तो जब आप वीपीसी बनाओगे तो वीपीसी के अंदर ही सबनेट बनाते हैं, और इंटरव्यू में पूछता है कि एक वीपीसी के अंदर हम कितनी सबनेट बना सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप 200 सबनेट बना सकते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ये भी चीजें पता होनी चाहिए। तो अब आपने वीपीसी लिया, तो वीपीसी के अंदर सबनेट लिया पब्लिक, तो इसको भी एक सीआईडीआर ब्लॉक दोगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10.0.0.0/24 किसके लिए, पब्लिक सबनेट के लिए। उसके बाद प्राइवेट के लिए भी हमें चाहिए होगा, तो मैंने यहाँ पे दिया 10.0.1.0/24। अब ये जो मैंने नेटवर्क निकाला है वो मैं निकालूंगा वीपीसी की रेंज से ही। मतलब ये जो मेरे को वीपीसी में मिला है, क्लाइंट ने दिया या आपने खुद अपने इन्वायरमेंट से लिया है, तो इसी के हिसाब से सबनेटिंग करनी पड़ती है, दैट्स इट। उसके बाद इसी सबनेट में आप 2 EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करोगे। 2 EC2 मतलब 2 मशीन लॉन्च करोगे, वर्चुअल सर्वर। किस लिए भाई, आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट करोगे ना, इसमें सर्वर में। कल मैंने एक छोटा सा डेमो दिखाया था, वही काम करने जाऊंगा, लेकिन कस्टम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। प्राइवेट सबनेट के लिए हम डेटाबेस यूज करें, तो कंपनी कई डेटाबेस यूज करती है, मोंगो डीबी, पोस्टग्रे, मारिया डीबी। तो कंपनी टू कंपनी हर चीज वेरी करता है, ठीक है। तो इसी सबनेट में, पब्लिक सबनेट में 1 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा और प्राइवेट सबनेट में 1 मशीन में लॉन्च करूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, इजिली आपको समझ में आएगा, मशीन -1, और इसको मैं नाम देता हूँ मशीन -2। डन, कितना काम करना था। अब देखो इस इंफ्रा के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप कंपलसरी है, कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए होगा, NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। आपसे 100 बार अगर आप इंटरव्यू देते हो तो 70 बार क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप NACL, सिक्योरिटी ग्रुप NACL, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, बाहर से कोई भी बंदा अगर वेबसाइट एक्सेस कर रहा हो, कैसे एक्सेस कर पाएगा, ध्यान से सुनना। ये आपका लैपटॉप है, राइट, और आपके बॉस ने बोला आप सर्वर में जाइए, वेबसाइट में जाइए, आप कैसे एक्सेस कर पाओगे। कल मैंने आपको बताया था आप क्या करोगे, SSH, राइट, EC2 -user @, और यहाँ पे हम पब्लिक आईपी यूज करते हैं, उसके बाद -i और की नेम। जब आप इतना यूज करते हो तो आपकी ट्रैफिक ट्रांसलेट होती है, आप पब्लिक आईपी यूज करते हो तो ट्रांसलेट होता है आपका प्राइवेट आईपी की ओर। सेम कहानी होगी, लेकिन ध्यान से सुनना, आज आप फिजिकली कुछ भी नहीं देख रहे, सब कुछ वर्चुअल है, तो आपकी ट्रैफिक जा कैसे रही, वाई IGW इंटरनेट गेटवे। तो आपने जब हिट किया बाहर से अपने लैपटॉप से बैठ के, तो ऐसे बहुत से क्लाइंट है जो एक्सेस कर रहे हैं SBI वेबसाइट को, ठीक है। एग्जाम्पल देखना चाहते हो, आप आइए, आप SBI जाइए, मुझे क्या करना है, एक थोड़ा सा लोन चाहिए। तो मैं अब SBI की वेबसाइट में गया, और यहाँ पे जाने के बाद पेज ओपन होता है, किस पर्पस के लिए चाहिए, लोन चाहिए, पर्सनल बैंकिंग चाहिए, तो आप यहाँ से वो चीज देख सकते हो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। तो सारी फैसिलिटी मिल रही, तो ये वेबसाइट पब्लिकली एक्सेस हो पा रही है ना, क्योंकि ये पब्लिक सबनेट में अवेलेबल है। तो अब यहां से जब बैठ के आप एक्सेस कर रहे हो SSH, या फिर आप डोमेन हिट कर रहे हो www.sbi.com,
आपकी ट्रैफिक एक्सेस हो पाती है, आपकी ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है सर्वर। तो ये आपका आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, राइट। इसके बिना तो काम होगा नहीं। उसके बाद जब आपकी ट्रैफिक फॉरवर्ड होगी, ध्यान से सुनना, तो आपको ना वर्चुअली आपको कुछ सिक्योरिटी के भी पार्ट आते हैं। तो आपका यहाँ पे एक IGW आएगा, इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे मतलब आपको रास्ता बताना पड़ेगा ना कि भाई आपकी ट्रैफिक कैसे आ पाएगी। VPC आपने बनाया, उसके अंदर सबनेट भी बना दिया, मशीन भी लॉन्च कर दी और उसमें वेबसाइट भी होस्ट कर दिया, तो बाहर से लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे। इंटरनेट में मैंने यूज किया, और तो आपका एक वर्चुअल IGW होता है, इंटरनेट गेटवे, अंदर आने का रास्ता। तो आपकी ट्रैफिक ऐसे फॉरवर्ड होती है, ध्यान से सुनना। उसके बाद आपका एक और सिक्योरिटी का पार्ट आता है जिसको बोलते हैं वर्चुअल इंटरफेस, ETL0। ये कंपनी में कई बार हमको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपकी ट्रैफिक ऐसे जा रही है वाया ETH0, IGW होकर, उसके बाद आपका VPC है, तो आपकी VPC के अंदर जाएगी ट्रैफिक, ऐसे अंदर जाएगी और यहाँ पे मान के चलो मेरी वेबसाइट होस्ट है, तब जाके मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है, तब जाके मैं एक्सेस कर पाऊंगा। लेकिन मैंने यहाँ पे दो वर्ड और यहाँ पे बताया, सिक्योरिटी ग्रुप NACL। कई बार पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप NACL। तो NACL आपका अप्लाई होता है सबनेट के लेवल पे, नंबर वन, ये आपका सबनेट लेवल है। तो आपका NACL यहाँ पे अप्लाई होता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, NACL सबनेट के लेवल पे अप्लाई होता है। और आपका सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस के लेवल पे काम करता है, ठीक है। और ये सारी चीजें कंपनी में कॉन्फ़िगर करनी ही पड़ती हैं। क्यों भाई, अब देखो बाहर से कोई भी आ रहा है, अननोन ट्रैफिक आ रही है, आप ऐसे थोड़ी अलाउ कर दो। तो सबसे पहले ट्रैफिक आएगी इंटरनेट गेटवे में, आपने रास्ता डिफाइन किया है तो ट्रैफिक फॉरवर्ड होगी अंदर। उसके बाद NACL, तो बाय डिफॉल्ट AWS में NACL दोनों इनबाउंड आउटबाउंड को अलाउ करके रखता है। कल मैंने EC2 लॉन्च किया था तो मैं एक्सेस तो कर रहा था वेबसाइट को, NACL बाय डिफॉल्ट अलाउ था। कंपनी में हम कस्टम बनाते हैं, ध्यान से सुनना। उसके बाद जब यहाँ से ट्रैफिक अलाउ किया आपने, ट्रैफिक जाती है नीचे अंदर, इंस्टेंस में आपका EC2 में वेबसाइट होस्ट है। तो यहाँ पे ट्रैफिक जब फॉरवर्ड होगी, तो अगर आपने कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया तो सिक्योरिटी ग्रुप में इनबाउंड रूल चेक करेगा। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ इनबाउंड रूल अलाउ करना पड़ता है, नॉट आउटबाउंड। आउटबाउंड आपका अलाउ होता है, ठीक है। पहले इसमें आप रियल टाइम समझ लो प्रॉब्लम क्या होती है। इंटरव्यू क्या पूछता थे भाई, आपका ये एयरपोर्ट है, ठीक है, कोई भी एयरपोर्ट ले लो, तो एयरपोर्ट में आपकी दो ही सिक्योरिटी चेक होती है। पहला आपका होता है मेन सिक्योरिटी गेट। जब आप मेन सिक्योरिटी में आप जाते हो तो आपसे दो चीजें देखता है, टिकट दिखा दीजिए एयरपोर्ट पे, ठीक है, कौन सी फ्लाइट है वो दिखा दो, और आपका आधार कार्ड दिखा दो। तो उसने इनबाउंड चेक किया, आउटबाउंड दोनों, ठीक। उसके बाद आपको अंदर अलाउ करता है, आप पहुंच जाते हो प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म में आपका सिर्फ नॉर्मल सिक्योरिटी होती है, बैग चेकिंग होती है, उसके बाद आपको आगे भेज दिया जाता है, ये आपकी फ्लाइट है, बैठिए और लैंड कर चलिए, ठीक है, सेम। तो आपका NACL, तो NACL में आपको इनबाउंड आउटबाउंड दोनों रूल अप्लाई करना पड़ता है, सिक्योरिटी ग्रुप में ओनली इनबाउंड, दैट्स इट, और ये कंपलसरी है। तो मैं आपको सब कुछ कस्टम बताऊंगा वन बाई वन, जैसा डायग्राम है वैसे ही लैब करेंगे, इजीली आप समझ पाओ। तो NACL सबनेट लेवल पे, सिक्योरिटी ग्रुप आपका इंस्टेंस के लेवल पे काम करता है। ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया रेडी। अब इसके बाद अपने सर्वर में जाइए, वेबसाइट को होस्ट कर दीजिए, ठीक है, डोमेन से बाइंड कर दीजिए, वो राउट 53 में बात करेंगे, और उसके बाद अलाउ कर दीजिए, लोग एक्सेस कर पाएंगे, समझ गए। तो इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। अब इंफ्रा ये आप कैसे भी बना लो, मैनुअल बना लो, ठीक है, आप लर्निंग कर रहे हो तो पहले मैनुअल सीखो। बाकी कंपनी में पहुंचोगे तो सब कोड पड़ा रहता है, कोड को मॉडिफाई करना है, टेराफॉर्म को यूज करो, क्लाउड फॉर्मेशन यूज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, सबसे पहले आप VPC क्रिएट करोगे, फिर सबनेट बनाओगे, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट होते हैं VPC के। तो अब जो मैंने डायग्राम बनाया उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, लैब को परफॉर्म करते, ठीक है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया, इसी डायग्राम को मैं जस्ट यूज करूंगा लैब में। हम क्या करेंगे, सब कुछ कस्टम बनाएंगे, सब कुछ कस्टम। कस्टम मतलब कंपनी में आप बैठते हो, SBI ने प्रोजेक्ट दिया,
ऐसा थोड़ी कि आपने यहाँ पे लिख दोगे बीपीसी माई प्रोजेक्ट के नाम से, नहीं ऐसा नहीं बनाओगे। कंपनी के अंदर ऐसे हजारों 200-300 प्रोजेक्ट होते हैं, अगर आपने किस बनाया माई बीपीसी, योर बीपीसी, मेरे दोस्त का बीपीसी, तो ऐसे नेमिंग कन्वेंस नहीं देते, याद रखना, गलती मत कर देना। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक को बोला गया कि आप इन्फ्रा बनाओ, डॉक्स में सब लिखा रहता आप ऐसे ऐसे बनाइए, अगर आपने अपना नाम लिखा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी में मल्टीपल्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने होते हैं। अब हम क्या करते हैं, सारा काम कस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूं, ठीक है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे बनाओगे, मैंने आपको बताया था आपको मुंबई अच्छा लगता है, मुंबई में बना लो, ठीक है, फ्री टीयर है 1 साल के लिए, तो इसको यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को चलता हूँ नॉर्दर्न वर्जीनिया में बना, ठीक है। तो नॉर्दर्न वर्जीनिया में चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या मेरे पास पहले से बना है, ठीक है। तो EC2 में देख लेता हूँ, EC2 कुछ है मेरे पास, चल रहा है रनिंग में कि नहीं। तो अभी यहाँ पे कोई भी इंस्टेंस नहीं है, ठीक है, चल के देख लेते हैं, कोई भी सर्वर नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक बना हुआ है क्लाउड वॉच SNS के नाम से और ये स्टॉप है। चलिए मैं यहाँ से रीजन चेंज करता हूँ, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया चलते, क्योंकि मैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा एकदम स्क्रैच लेवल से, इजिली आप समझ पाओगे कि हाँ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, और सबसे पहले वीपीसी का पार्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले मान के चलो क्लाइंट ने ही बोलती है काम करो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ही बना लो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कंपनी जब बैठती है मीटिंग में तो पहले कोलेबरेट कर लेती है, आप यहाँ पे बना लो, यहाँ पे आपको अच्छा होगा, ठीक है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो मैं इस प्रोजेक्ट को कस्टम वीपीसी को बनाने जा रहा हूँ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, तो ये रहा मेरा अकाउंट। तो सबसे पहले सर्च करिए क्या वीपीसी, राइट। तो वीपीसी के अंदर आप जाओगे, ठीक है, इसके अंदर पहले से एक वीपीसी है, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ये रहा वीपीसी, देखो कंपोनेंट पूछता है वीपीसी, सबनेट, राउट टेबल, IGW, ये सारे आपके जो मेजर कंपोनेंट है, चार तो आपने बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। नेट गेटवे भी होता है, इलास्टिक IP भी होती है, ठीक है, पेयरिंग कनेक्शन होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपनी एक्चुअल में यूज करती है, ठीक है, बात करेंगे वन बाय वन, पहले हम एक इंफ्रा बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम प्रोजेक्ट आया तो आप चाहोगे वीपीसी को बनाने, ठीक है। तो मैं सब कुछ मैनुअल बता रहा हूँ, देखो अभी ये जो वीपीसी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट AWS हर रीजन में आपको दे देता है एक, ठीक है। कल मैंने एक EC2 लॉन्च किया था तो उसमें वीपीसी मैंने असाइन नहीं किया था, वीपीसी पहले से ले लेता, क्योंकि AWS हर अवेलेबिलिटी जोन में एक एक वीपीसी, इंटरनेट गेटवे, फायरवॉल सब देके रखता है बाय डिफॉल्ट, राइट। तो कंपनी बाय डिफॉल्ट लेके नहीं चलती है, कस्टम बनाती, तो हम कस्टम बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिएट करिए वीपीसी, नंबर वन स्टेप, पहला काम वीपीसी। तो मैंने सेलेक्ट किया वीपीसी, अब यहाँ पे वीपीसी के अंदर दो आपसे पूछ रहा है, वीपीसी और सबनेट दोनों आप अटैच करना चाहते हैं कर लो, ठीक है, स्क्रैच से बताऊंगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, सबसे पहले वीपीसी बनाना तो वीपीसी ओनली में करिए, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, आपको अच्छा हैंड्स ऑन है, नॉलेज है, तो आप वीपीसी सेलेक्ट कर लो, उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी जोन में भी आपसे पूछ लेता है
या कहाँ कहाँ पे आपने सबनेट बनाना है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लिकेटेड में नहीं चलते, सिंपल में चलते हैं, पहले वीपीसी बनाते हैं। मैंने नाम दिया था एसबीआई, तो आप क्या करोगे वही नाम लिखना है, वीपीसी एसबीआई हाइफन प्रोजेक्ट, डन। उसके बाद सीआईडीआर पूछ रहा है, तो सीआईडीआर में हम अभी IPv4 लेके चलेंगे। मैंने सेलेक्ट किया IPv4, उसके बाद आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे अभी अभी के लिए मैं ये ले रहा हूँ, आप कंपनी में बैठोगे तो आपके डॉक्स में मिलता है, तो वो डॉक्स वाला यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लेते हैं 10.0.0.0/16, राइट। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है वीपीसी का नाम इम्पोर्टेंट है, वीपीसी एसपीआई माइनस प्रोजेक्ट, डन। क्रिएट करिए वीपीसी, तो वीपीसी मेरा बन गया, मतलब ये बाउंड्री मेरी बन गई, ठीक है। अब इस वीपीसी के अंदर दो सबनेट मुझे चाहिए, पहला पब्लिक दूसरा प्राइवेट, इसको भी बना लेते हैं। तो वीपीसी के बाद अगला काम आता है सबनेट, तो सबनेट में चलते हैं। तो कई बार पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट, कई बार पूछता है। तो पहले आप समझो, पब्लिक सबनेट को आप सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, पब्लिक सबनेट जो होता है ऑलवेज IGW इंटरनेट गेटवे के साथ अटैच होता है, तभी तो ट्रैफिक अंदर आ पाएंगे। और जो प्राइवेट सबनेट होता है वो IGW के साथ अटैच नहीं होता, ये हमारा डेटाबेस होता है। इसके लिए कई बार वो बोलता है कि आप क्या यूज करते हो ट्रैफिक को बाहर अलाउ करने के लिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं नेट गेटवे, ठीक है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा नेट गेटवे का यूज। तो अभी हम इंफ्रा बना रहे हैं, सबनेट बना लेते हैं पब्लिक, वापस आते हैं, क्रिएट करिए सबनेट वीपीसी। ध्यान से सुनना, जब आप सबनेट बनाओगे तो इसी वीपीसी को सेलेक्ट करना है, एसबीआई वाले को, किसी और को मत कर देना। किसी मान के चलो केनरा बैंक का प्रोजेक्ट है, एसबीआई में आपने उसको ऐड कर दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो वीपीसी, एक डिफॉल्ट है, इसको छेड़ना नहीं है। मैंने कस्टम बनाया वीपीसी एसबीआई वीपीसी प्रोजेक्ट, सेलेक्ट कर लो, राइट। उसके बाद नीचे आते हैं, नेम पूछ रहा है, तो मैंने दिया चलिए सबनेट, या फिर ऐसे भी आप दे सकते हैं एसबीआई आईफन या फिर पब्लिक एसबीआई सबनेट। राइट, पब्लिक एसबीआई सबनेट। अब यहाँ पे पूछ रहा है अवेलेबिलिटी जोन, ध्यान से सुनना, अवेलेबिलिटी जोन हम किस लिए लेते हैं। मुंबई के अंदर तीन अवेलेबिलिटी जोन है। अवेलेबिलिटी जोन मतलब ये आपका डेटा सेंटर है, समझो ध्यान से, कई बार पूछता है और AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर में आपके एग्जाम में आता है अवेलेबिलिटी जोन के बारे में, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन किस लिए, मुंबई रीजन है, मुंबई रीजन मैंने सेलेक्ट किया। मुंबई में आपका तीन अवेलेबिलिटी जोन है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ठीक है। मान के चलो तीनों का नाम क्या है, 1A, 1B और 1C, मतलब AWS ने वर्ल्ड वाइड अगर मार्केट कैप्चर किया है तो दिल्ली में भी डेटा सेंटर होगा, हैदराबाद में भी होगा, बेंगलोर में भी होगा, तभी तो बोलता है कि मैं आपके डेटा की सिक्योरिटी 99.99% रख रहा हूँ। अगर मान के चलो मुंबई आपने रीजन सेलेक्ट किया और अवेलेबिलिटी जोन आपने ये लिया, सिर्फ ये, और यहाँ पे किसी ने बम फेंक दिया, ठीक है, इस शहर में बम फेंक दिया, तो ये तो रीजन गया ना। तो इसलिए कंपनी हाई अवेलेबिलिटी के लिए मल्टीपल्स अवेलेबिलिटी जोन लेके चलती है, और ये क्वेश्चन भी पूछता है इंटरव्यू में, और AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर में आता है कि मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंफ्रा को बचाने के लिए मिनिमम अवेलेबिलिटी जोन कितना होना चाहिए। तो आपने टिक कर देना आंख बंद करके 3 बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कई कई बार ऐसा भी आता है 2 और 3, ठीक है, अगर 2 ऑप्शन है तो 2 सेलेक्ट करना, मतलब 1 से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन, जिसको हम बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी के, ठीक है, बैकअप के लिए। तो वही आपसे पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर आप चाहो तो दे सकते हो। देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही अवेलेबिलिटी जोन है, अगर आपने सेलेक्ट करना कर लीजिए, कंपनी में बैठे हो तो बॉस डॉक्स में लिखा रहता है कि बोलता है कि आपने से 1B लेना, 1B लेना, ठीक है। नहीं भी करोगे, अगर इसको स्किप करोगे तो बाय डिफॉल्ट दोनों में किसी एक रीजन पे अवेलेबिलिटी जोन में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आपको करना होगा कर लीजिए, ए करना हो ए कर लो, बी करना हो बी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सबनेट में मैंने जो CIDR ब्लॉक दिया वहां पे, यहाँ पे वो चीज असाइन कर 10.0.0/24, क्लियर, दैट्स इट।
इतना करने के बाद क्रिएट करते हैं सबनेट। तो ये मेरा पब्लिक एसबीआई सबनेट हुआ। एक और सबनेट बना लेते हैं जो प्राइवेट होना चाहिए, तो मैंने इसको किया क्रिएट। सेम वीपीसी आपने सेलेक्ट करना है, वीपीसी एसबीआई प्रोजेक्ट, सबनेट का नाम मैंने लिखा यहाँ पे प्राइवेट माइनस एसबीआई हाइफन सबनेट। नेमिंग कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ रहा है अवेलेबिलिटी जोन, आपने लेना हो ले लो दोनों में से, नहीं लेना हो चलेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा 10.0.1.0/24 और ये मैं उसी के अकॉर्डिंगली ले रहा हूँ जो मैंने डायग्राम में बनाया है, ठीक है, कंफ्यूज मत। क्रिएट करो सबनेट। अकॉर्डिंग टू डायग्राम मैंने एक पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट भी बना दिया, राइट। अब अगला काम क्या करेंगे, मैंने जो आपको बताया था कंपोनेंट ऑफ द वीपीसी कंपलसरी है, ठीक है। अब दोबारा से आ जाओ, हमने दो सबनेट भी बना दिया, राइट। अगला काम क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे IGW चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कंपलसरी है। अब मैं कस्टम इंटरनेट गेटवे बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, फिर राउट टेबल में भी आएंगे। तो इंटरनेट गेटवे में चलते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है, इसको छेड़ेंगे नहीं। क्रिएट करिए और यहाँ पे आप दे दो SBI-IGW, राइट, या फिर प्रोजेक्ट देना हो प्रोजेक्ट दे दो। मैंने लिखा SBI-IGW प्रोजेक्ट, दैट्स इट, क्रिएट करिए। अब ध्यान से सुनना, मैंने जैसे IGW बनाया कस्टम, ठीक है, पब्लिक को अंदर आने के लिए रास्ता मैंने लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी देखो ये स्टेट क्या है, डिटैच, डिटैच मतलब कि भाई कौन से वीपीसी में आपको इसको अटैच करना है। तो मैंने बोला ना IGW जब आप बनाओगे तो इसको अटैच करोगे वीपीसी में, ठीक है। तो वही काम करना है, आप पहले एक्शन में आ जाओ, जब आप IGW बनाते हो एक्शन में आइए, अटैच टू वीपीसी पूछ रहा है तो सेलेक्ट करिए और आपका जो वीपीसी एसबीआई है ना उसमें अटैच कर दो, सेलेक्ट करो, दैट्स इट, अटैच। मतलब कि ये काम भी हमने कर लिया, IGW को भी हमने लॉन्च किया, अटैच कर दिया वीपीसी में, राइट। नेमिंग कन्वेंस एसबीआई IGW से मैंने दिया था, ये बात दिया था, काम हो गया हमारा खत्म। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, ट्रैफिक ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी। अब आपको रूट डिफाइन करना पड़ेगा, रूट मतलब ट्रैफिक कहाँ पे जाएगी, पब्लिक में जाएगी प्राइवेट में जाएगी, पब्लिक में जाएगी कि प्राइवेट में जाएगी। मेरे कंपनी में एक नए कलीग ने इंफ्रा में ट्रैफिक को डेटाबेस में अलाउ किया था, इमीडिएटली इंस्ट्रक्शन, बॉस ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, आपको नहीं पता तो आप पूछ लो, गलती मत करो, ठीक है। उसने ट्रैफिक अलाउ किया था प्राइवेट की ओर, ठीक है। तो अब यही इंपॉर्टेंट टास्क करने चलेंगे हम, एक और जो कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं राउट टेबल, ठीक है, चौथा कंपोनेंट। और ये चारों काम इंफ्रा के अंदर करना पड़ता है, वीपीसी बनाओ, सबनेट बनाओ, IGW बनाओ और राउट टेबल। IGW रेडी है, अब चलते हैं राउट टेबल में। तो राउट टेबल में हम अपना खुद का रूट बताएंगे, ठीक है। तो क्रिएट करिए, मैंने लिखा यहाँ पे SBI-route-table, ठीक है। नेमिंग कन्वेंस कौन से वीपीसी के लिए, वही हमारा जो हमने बनाया था कस्टम SBI प्रोजेक्ट, क्रिएट करिए। उसके बाद दो काम और करने पड़ते हैं, ठीक है, राउट टेबल में। एक तो रूट डिफाइन करना होगा और सबनेट एसोसिएशन। रूट मतलब क्या, पब्लिक कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो सबनेट एसोसिएशन में मुझे पब्लिक में अलाउ करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, रूट में एडिट में आते हैं, एडिट करिए, देखो ये आपका वीपीसी का CIDR ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, एडिट करिए। एडिट में आते हैं, एड रूट करिए, मुझे अलाउ करना है पब्लिक को। भाई पब्लिक मतलब SBI के कितने कस्टमर है, 10 करोड़ कस्टमर है, 80 करोड़ कस्टमर है, तो मुझे उनको अलाउ करना होगा। तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 0.0. ये पब्लिक इंटरनेट गेटवे का डेस्टिनेशन है, पाथ है, तो आपको बाय डिफॉल्ट देना पड़ता है। टारगेट पूछ रहा है, टारगेट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है। अगर आप देखोगे डायग्राम में तो मैंने यहाँ पे एक IGW बना के रखा हुआ, ठीक है, ट्रैफिक आ रही है IGW से। तो यही पूछ रहा है आपसे क्या सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे देखो इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट करो, दिख रहा है IGW SBI सेलेक्ट करो, दैट्स इट। इतना करने के बाद सेव चेंजेस कर दीजिए, रूट मैंने डिफाइन कर दिया आने के लिए। अगला काम, ट्रैफिक कहाँ पे आएगी, जब यहाँ से आएगी तो पब्लिक में जाएगी प्राइवेट में, तो अब आपको सबनेट एसोसिएशन में जाना होगा, ठीक है। अब रूट के, रूट टेबल के अंदर देखो, रूट में मैंने डिफाइन किया, सबनेट एसोसिएशन में चलते हैं।
राइट, कोई भी सबनेट एसोसिएशन नहीं है, एडिट में आ जाते हैं। अब देखो दो सबनेट है, पब्लिक प्राइवेट, तो उस बंदे ने प्राइवेट में सेलेक्ट मार दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो मुझे पब्लिक में अलाउ करना है, तो आप सेलेक्ट करोगे पब्लिक एसबीआई माइनस सबनेट, दैट्स इट। इतना करके सेव चेंजेस कर दो, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया रेडी। अब यहाँ पे आपने सारा काम करना होगा, बस इतना काम करना था। थोड़ा सा बैक करते हैं, डायग्राम ध्यान से सुन लो। मैंने IGW भी बना दिया, राउट टेबल भी क्रिएट किया, पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट। अब इन्हीं सबनेट में एक एक मशीन लॉन्च करेंगे, राइट। मशीन लॉन्च करने से पहले मैंने आपको बताया ना, सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने 10 करोड़ का बिल्डिंग बनवाया है तो उस बिल्डिंग में सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड तो रखोगे, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम है चेक करना आने वाले लोगों को, कोई आके बम तो नहीं फेंक देगा बिल्डिंग में, ठीक है। तो इंफ्रा को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप कंपलसरी, ठीक है। तो पहले हम चल के सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं। अभी मैं NACL नहीं बताऊंगा, NACL आपको लास्ट में बता दूंगा, तो इजीली आप समझ पाओ। तो अब वापस आते हैं, VPC मेरा रेडी है, इंफ्रा मतलब बिल्डिंग रेडी है। चलते हैं कहाँ पे, VPC EC2 आप सर्च कर लीजिए, या फिर आप डुप्लीकेट भी ओपन कर लो चलेगा। तो अब सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनाते हैं ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा होगा सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, ये रहा सिक्योरिटी ग्रुप। पहले से हम बना लेते हैं, जब मैं एक EC2 लॉन्च करूंगा तो उसमें डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये पहले से सिक्योरिटी ग्रुप है, इसे नहीं चाहिए। मैंने किया क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, किस नाम से देना है, मैंने लिखा SBI माइनस सिक्योरिटी माइनस ग्रुप, राइट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कोई नहीं, आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, डन। ये VPC पूछ रहा है किसके लिए आप बनाना चाह रहे थे, हमने बनाया था SBI प्रोजेक्ट, सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ध्यान से सुनना इनबाउंड रूल, अभी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ छेड़छाड़, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा सिक्योरिटी ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है इंफ्रा के अंदर, ठीक है। इसको अभी आप स्किप करिए, और आउटबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप में बाय डिफॉल्ट अलाउ होता है। मतलब मैंने क्या एग्जांपल दिया था, अगर एयरपोर्ट में पहली जो सिक्योरिटी आपको अंदर अलाउ करती है आपका टिकट देख के और ID प्रूफ देख के, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म में आपका सिक्योरिटी ग्रुप चेक होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। सर क्या ये फायरवॉल का काम करता है, ये वाला? बिल्कुल फायरवॉल है, ठीक है। सर इसमें बैंडविड्थ किसके स्कोप में होता है? बैंडविड्थ आप कुछ नहीं देख पाओगे, क्यों, सारा कुछ वर्चुअली है आपका। अगर सर पब्लिक से कोई एक्सेस करता है तो मैंने बताया ना ये आपका ETH0 वर्चुअल इंटरफेस। नहीं सर, एक बैंडविड्थ सर होस्टिंग में एक बैंडविड्थ डिपेंड करता है, ट्रैफिक बैंडविड्थ किसके स्कोप में आता है सर? आप बैंडविड्थ क्यों लगाना चाह रहे सर? कोई पब्लिक से एक्सेस करेगा किसी को तो बैंडविड्थ चाहिए सर ISP में, जैसे हम लोग वेबसाइट होस्ट करते हैं सर GoDaddy में, जैसे बैंडविड्थ सर मिलता है तो वहां पे, यहां पे नहीं मिलेगा आपको, आपको यही मिलता है कंपोनेंट। ये बैंडविड्थ स्कोप कौन सा ले रहे हैं अपने अंदर, मतलब जैसे कि यहां पे AWS ले रहा है या फिर अपना जो क्लाइंट है उसको अपना हिसाब से चुनना पड़ेगा? ये सारा AWS मैनेज करेगा, इसमें अनलिमिटेड बैंडविड्थ रहता है सर? हाँ, राइट, तो आउटबाउंड बाय डिफॉल्ट आपका अलाउ है, ठीक है। बस इतना करते हैं, नीचे आके क्रिएट कर लीजिए सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। तो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप भी बना लिया, अब हम चलते हैं एक मशीन लॉन्च करें। मशीन मतलब वेबसाइट मुझे होस्ट करनी है, तो एक सर्वर चाहिए, ठीक है। अभी मैं डेटाबेस यूज नहीं कर रहा, डेटाबेस हम बाद में करेंगे, पहले इतना काम कर ले। तो चलते हैं वापस अकाउंट पे, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, लॉन्च EC2 इंस्टेंस,
सर्वर का नाम मैंने यहाँ पे लिखा एसपीआई या फिर मशीन वन, ठीक है, तो एसपीआई के नाम से तो मैंने लिखा एसपीआई माइफन सर्वर, ठीक है। उसके बाद कंपनी बोलती है या फिर कंपनी को सिर्फ वेबसाइट से मतलब है, आप कंपनी टू कंपनी जो चीपेस्ट है आप वो यहाँ पे ओएस ले लो, तो कंपनी उबंटू भी यूज करती है, रेड हैट भी यूज करती है, मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी लिनक्स ही यूज करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया अमेजॉन लिनक्स। इसके बाद नीचे आते हैं इंस्टेंस टाइप। कंपनी में आप प्रोजेक्ट लोगे तो टी टू डॉट माइक्रो में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चलता, ठीक है, आप यहाँ से हाई अवेलेबिलिटी लेके चलते, तो टी टू डॉट टी थ्री हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, तो आपके डॉक्स में मेंशन होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हो। लेकिन मैं भी आपको फ्री टियर में बताऊंगा टी टू डॉट माइक्रो। की पेयर कंपल्सरी है, तो की पेयर एक जनरेट कर लो, मैंने लिखा यहाँ पे एस बी आई प्रोजेक्ट के नाम से, ठीक है, ये की कंपल्सरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हमने बात किया था, और उसको क्रिएट कर लीजिए। की मेरी यहाँ पे अवेलेबल है। नेटवर्क सेटिंग कल हमने इसमें छेड़छाड़ नहीं किया था, अब हमें कस्टम चाहिए ना, तो आप यहाँ पे जाना होगा, अंदर करिए एडिट, कौन सा वीपीसी चाहिए, हमने बनाया था एसपीआई, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे दीजिए वीपीसी एसपीआई वाला सेलेक्ट, राइट। अब यहाँ पे कौन से सबनेट में लॉन्च करना है, तो मुझे वेबसाइट होस्ट करनी है ना, तो आप यहाँ पे पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करो, ठीक है, दो सबनेट आपको दिख रहा होगा, प्राइवेट पब्लिक, इसमें अप्लाई करोगे पब्लिक, ठीक है। उसके बाद ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे कंपनी में कई बार पूछता है, ठीक है, मैं आपको आगे आपको बताऊंगा इलास्टिक आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है, प्राइवेट आईपी क्या होता है, ठीक है, एक और आईपी होती है इलास्टिक आईपी, अभी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं ऑटो असाइन के नेपर, यहाँ पे आपको एक पब्लिक आईपी मिलती है, प्राइवेट आईपी मिलती है, कंपनी में आप ये नहीं लोगे, इलास्टिक आईपी लेते, ठीक है, इलास्टिक आईपी वो होती है आपकी परमानेंट आई। इसमें आपको जब इंफ्रा बना लूंगा उसके बाद लास्ट में एक ड्रॉबैक बताऊंगा, ड्रॉबैक क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है अगर आपने ये आईपी लिया तो, ठीक है, हमेशा याद रखना आप पहले इलास्टिक आईपी जाओगे, जनरेट करोगे, अटैच मारो, ठीक है, कैसे मारते हैं मैं आपको लास्ट में बता दूँ। इसके बाद नीचे आते हैं, मैंने इनेबल किया, ठीक है, इनेबल मतलब मुझे एक पब्लिक मिलेगा एक प्राइवेट मिलेगा, तभी तो मैं बाहर से एक्सेस कर पाऊंगा, राइट। उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप हमने बनाया हुआ कस्टम, तो आप चलिए एग्जिस्टिंग में सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने बनाया था एसबीआई सिक्योरिटी ग्रुप के नाम से, यहाँ पे आ गया, सेलेक्ट कर लो। उसके बाद नीचे आ जाओ, कंपनी बोलती है कि आप थोड़ा ज़्यादा ले लो, ठीक है, तो डॉक्स में सब मेंशन होता है, अभी हम 8 GB ले चलते हैं फ्री टियर में, सफिशेंट, बस इतना करना है। और एडवांस सेटिंग में आपको कुछ सिक्योरिटी अप्लाई करनी कर लो, कई बार पूछता है कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए, स्पॉट में चाहिए, ऑन डिमांड में चाहिए, वो हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ इंस्टेंस के, बाकी यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। नीचे आ जाओ, आपको अगर आप आचे पैकेज डालना है यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख दो, ठीक है, तो इजिली आप कर पाओगे, तो हम सारा कुछ मैनुअल करेंगे। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, लॉन्च, अगेन व्यू, तो ये मेरा सर्वर लॉन्च हो गया। मैंने आपको बताया था जब आप लॉन्च कर रहे हो तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के डेटा सेंटर में आपका एक सर्वर लॉन्च हो गया, राइट, इसको एक्सेस करेंगे और इसमें वेबसाइट को होस्ट करेंगे, तो अभी मेरा रनिंग हो गया। इसको एक्सेस कैसे करते हैं, मल्टीपल्स ऑप्शन है, डायरेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कनेक्ट करो, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा विंडो की सीएमडी से कर लो, उससे भी हो जाएगा, तीसरा पुट्टी से भी करना आना चाहिए, ठीक है, तो इस बार मैं आपको पुट्टी में यूज करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरी जो की है वो पैम में है, तो मुझे पीपीके में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास पुट्टी जैन होना चाहिए, आई थिंक मेरे में नहीं है, तो चलो मैं फिर कभी बता दूंगा इंस्टॉल करके। तो इसको मैं अभी सीएमडी में एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो सीएमडी में ले लो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो, तो मैं यहां से कनेक्ट कर लेता हूँ, अगेन कनेक्ट कर लीजिए,
तो यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है आपको समझना होगा। सब कुछ बढ़िया है, बाहर से आप SSH कर रहे हो, ट्रैफिक आपकी जा रही है, IGW में आपने रूट भी डिफाइन किया, 0.0.पब्लिक का रास्ता, उसके बाद ट्रैफिक जा रही है VPC में, VPC में RSL हमने सेट नहीं किया, बाय डिफॉल्ट अलाउ है, ट्रैफिक आ रही है यहाँ तक। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, सिक्योरिटी ग्रुप बैठा हुआ है और ये सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर रहा है अपने अंदर इनबाउंड रूल है ही नहीं, कौन सा SSH का, जब SSH है ही नहीं तो आप कैसे एक्सेस कर पाओ, समझ रहे हो। तो आपने जाना होगा अपने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर SSH पोर्ट जो 22 में काम करता है मस्ट, ठीक है। तो चलिए कहाँ पे वापस से सिक्योरिटी ग्रुप में, आपका इंस्टेंस में आप आ जाओ, नीचे आ जाओ, सिक्योरिटी ना इसके अंदर आ जाओ, तो हमने सिक्योरिटी के लिए ग्रुप अटैच किया था SPI सिक्योरिटी ग्रुप, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो इनबाउंड क्या है, कुछ भी नहीं दिया था मैंने, तो ये कंपलसरी है, एडिट करिए, ऐड करिए, कम से कम SSH तो होना चाहिए, तभी तो मैं वेबसाइट होस्ट कर पाऊंगा। मैंने SSH किया, पोर्ट 22 है बाय डिफॉल्ट, कस्टम, कस्टम मतलब कंपनी में ऐसा भी होता है कि सुधीर नाम का बंदा है, सिर्फ उसे मुझे देना है SSH, आप यहाँ पे उसकी IP एड्रेस डाल, ठीक है, आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एनी वेयर लेके चल रहा हूँ, ठीक है, और सेव करो। अब आप SSH करिए, एक बार पेज को रिफ्रेश करिए, तो अब आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी ग्रुप का, जो आपको मस्ट इनबाउंड रूल देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम एक्सेस कर पाया, तो समझ गए ये SSH पोर्ट पे काम करता है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सूडो करके आप रूट पे आ जाओ, -i, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेबसाइट होस्ट करते हैं, कहाँ पे, इस सर्वर में। तो आपको पहले यम का पैकेज डालना होगा, अपाचे, ठीक है। तो मैंने लिखा यम इंस्टॉल httpd, ठीक है। उसके बाद -y नहीं लगाता हूँ, आपसे पूछेगा लास्ट में यू वॉन्ट इंस्टॉल, ये पूछ रहा है यस, तो मैंने किया यस, इसलिए हम स्टार्टिंग में यस लगा देते हैं। तो कभी भी आप स्क्रिप्टिंग लिखते हैं तो स्क्रिप्टिंग में ये सब बाईपास नहीं करते हैं, स्क्रिप्ट मतलब ऑटोमेशन का की तरह काम करेगा, तो इसलिए सारी चीजें हमें देख के करनी पड़े। इंस्टॉल हुआ, उसके बाद डेमन को स्टार्ट कर लीजिए, सिस्टम CTL पहले इनेबल कर लेते हैं, परमानेंटली इनेबल HTTPD, उसके बाद इसको स्टार्ट कर लीजिए। उसके बाद स्टेटस चेक कर लो तो आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, डायमंड डन। तो अब हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। तो वेबसाइट होस्ट करने के लिए आप कुछ भी कर लो, सैंपल वेबसाइट उठा लो, राइट। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, एक सैंपल वेबसाइट को डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप गूगल में आ जाइए और सर्च करिए सैंपल वेबसाइट, ठीक है। तो इस सैंपल वेबसाइट को हम यूज करते हैं यहाँ पे होस्ट के लिए। तो कोई भी एक वेबसाइट आप उठा लीजिए, ठीक है। तो यहां से मैं इसको उठा लेता हूँ, डायरेक्ट टीवी को। इसे कैसे करना, देखो कभी भी आप बाहर से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हो तो लिनक्स में एक कमांड होती है wget, तो उसका यूज करो। इस लिंक को चाहिए मुझे, राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक एड्रेस, सर्वर में चलते हैं। अब यहाँ पे कमांड एक्सक्यूट कर दो, wget, ठीक है, wget। इसका पैकेज ऑलरेडी है, नहीं होता तो wget इंस्टॉल कर लो, यान इंस्टॉल wget, ठीक है। उसके बाद इंटर करो तो ये मेरी वेबसाइट डाउनलोड हो, ठीक है। ls कर लो, अवेलेबल है, जिप फॉर्म में इसको अनजिप कर लेते हैं। तो अनजिप की कमांड होती है अनजिप, और फाइल का नाम दे दीजिए, तो जैसे अनजिप होता है ls करके देख लीजिए, राइट, HTML के नाम से पड़ा होगा। अब इस डेटा को मुझे मूव करना है, तो आप चाहो तो इसको हटा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, तो -rm और जिप फाइल को हटा देते हैं। Done।
और ये कंटेंट जो है इसको मुझे होस्ट करना है cdware www.html में। तो आपको एक कमांड पता होगा mv कमांड। मैं चाहता हूँ कि मूव कर दीजिए यहाँ से सारा का सारा डेटा, कौन सा mv कमांड का यूज करके मुझे वेयर के अंदर www.html सॉरी mv के बाद आपने स्टार देना है स्पेस के बाद। मूव हो गया, एलएस करो, यहाँ पे कंटेंट है नहीं है। अब चल के देख लो आप cd/where www.html एलएस करिए, यहाँ पे कंटेंट पड़ा हो, ठीक है html। आप जाके देखोगे इसके अंदर सारा आपकी वेबसाइट होगी, कोड होगा, ठीक है दैट्स इट। तो मैंने इसे होस्ट कर दिया। अब क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू दिस, मान के चले मेरी SBI की वेबसाइट, हमने सब कुछ होस्ट कर दिया। अब बाहर से एक्सेस करने के लिए आपको क्या बोलता है AWS, मैं आपको पब्लिक IP देता हूँ, ठीक है। तो पब्लिक IP जब आप यूज करोगे तो आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। उसके पहले सिक्योरिटी ग्रुप में आपको HTTP का पोर्ट भी अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले हम बात कर लेते हैं, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ ETH होता कहाँ पे, ठीक है। सर्वर में आइए, if config कमांड चला दीजिए, तो आपको एक बोलता है मैं आपको एक वर्चुअल इंटरफेस देता हूँ ETH 0, ठीक है वर्चुअल इंटरफेस, तो ETH 0। तो आपकी ट्रैफिक ऐसे यहाँ से होके आ रही है, ठीक है वाया ETH। कंपनी के अंदर भाई इसकी भी लिमिट होगी ना, आपके बॉस ने बोला एक काम करो कुछ ट्रैफिक आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करो, एक आप एक ऑप और इंटरनेट क्रिएट कर लो, इथरनेट क्रिएट कर लो, कुछ ट्रैफिक यहाँ से जाएगी कुछ ट्रैफिक यहाँ से जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा जब इलास्टिक IP अटैच करेंगे, ठीक है। तो इजिली आप समझ पाओगे ETH का यूज केस, तो अभी हम इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ETH है पता होना चाहिए वर्चुअल इंटरफेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेबसाइट मेरी होस्ट हो गई, पब्लिक IP को उठाइए और बाहर हिट करो, वेबसाइट मैंने होस्ट कर दिया। तो क्या आप एक्सेस कर पा रहे हो, ध्यान से सुन, नहीं आपका ये बफरिंग करता जा रहा है, ये एरर। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने वेबसाइट होस्ट किया तो आपको HTTP का पोर्ट अलाउ करना होगा, ठीक है। कई बार पूछ लेता है HTTP HTTPS का पोर्ट नंबर क्या है, ठीक है। HTTP आपका अनसिक्योर्ड ट्रैफिक है, पोर्ट 80 पे काम करता है। HTTPS इसके लिए आपका सर्टिफिकेट कंपनी में अप्लाई करते हैं मस्ट 443, ठीक है। और याद रखना इस इन दो पोर्ट के अलावा आप ऑल ट्रैफिक नहीं करोगे, ठीक है। जब आप इंफ्रा बनाते हो तो चुपचाप इसको आप लगा दीजिए, आप इवन आफ्टर हम SSH भी अलाउ नहीं करते, जब जरूरत पड़ती है तो SSH करते हैं फिर हटा देते हैं उस पोर्ट, ठीक है। तो ये दो पोर्ट मस्ट कंपल्सरी होता है। तो अभी देखो एरर आ रहा है, तो हम चलते हैं कहाँ पे, अपने सिक्योरिटी ग्रुप में, और आई थिंक यही है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। एडिट करते हैं इनबाउंड, SSH हमने दिया था, एक पोर्ट और अलाउ कर देते हैं, ऐड करिए। ऑल ट्रैफिक करना हो लैब के लिए कर लो, कंपनी में हम नहीं करते, ठीक है। तो मैंने HTTP दिया, एनीवेयर करते हैं, एक और जो स्टैंडर्ड वे है वो करके चलता हूँ, ठीक है। जब आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो इससे भी काम होता है, मैंने दिया HTTPS 443 पे काम करता है, HTTP पोर्ट नंबर 80, राइट। उसके बाद एनीवेयर किया मैंने, इसको सेव करिए, डन। अब अपने इस पेज को रिफ्रेश करो, तो जैसे पेज रिफ्रेश कर रहे हो तो आपका अपाचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कि अब वेबसाइट मेरी होस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब मैंने जो कॉपी किया है बाहर से वो प्रॉपरली एक्सेस नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेरे पास सैंपल कोड है तो मैं अपने सैंपल कोड को यूज करूँ, ठीक है। SBI बैंक प्रोजेक्ट था, इसको हम यूज कर लेते हैं, और कलर हम यहाँ पे हटा लेते हैं, पिंक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये कॉपी कर लेते हैं, मान के चलिए SBI की वेबसाइट, SBI प्रोजेक्ट की वेबसाइट। तो यहाँ पे LS करिए सर्वर में,
ये जो पड़ा हुआ है सैंपल हमने डाउनलोड किया था इसको रिमूव कर दो, rm-rf और स्टार लगा के सारा कंटेंट रिमूव। ठीक है, तो अभी मैं HTML में बैठा हूँ, एक फाइल बनाते हैं vim index.html, इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे आप पोस्ट करो, डन, सेव करिए और सेव करके बाहर आते हैं। Then use system CTL, reload, HTTP. Then, उसके बाद आप क्या करो, कुछ नहीं, अपने उस पेज को जो एरर आ रहा था रिफ्रेश करो, यहाँ पे आ गया वेलकम टू ऑल SBI बैंक प्रोजेक्ट, राइट। तो ये मेरी वेबसाइट होस्ट है। अब ये सारा का सारा हमारा कस्टम था, कस्टम, राइट। अब यहाँ से थोड़ा आगे बात करते हैं, बात ये करेंगे कि अभी तक जो भी मेरी ट्रैफिक थी कैसे आ रही थी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, सब कुछ हमने बना लिया। आपकी ट्रैफिक ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। सिक्योरिटी ग्रुप में आपने इनबाउंड भी अलाउ कर दिया, SSH के लिए दिया, वेबसाइट होस्ट किया तो HTTP HTTPS भी आपने दे दिया। उसके बाद आपकी इस EC2 में वेबसाइट होस्ट थी, हर कोई एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, अगर आप भी एक्सेस करना चाहो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप भी इसको हिट करोगे तो आप भी एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, इस पब्लिक IP। मतलब कि ये वेबसाइट मेरी होस्ट हो गई, आप डायरेक्टली क्लिक करो आपको भी पेज दिखाई देगा वेलकम टू ऑल SBI प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर मुझे SBI वेबसाइट पे जा पा रहा हूँ तो आप भी जा पाओगे क्योंकि पब्लिकली है ना वो एक्सेप्ट। अब सेकेंड काम करेंगे डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में कैसे जाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मैं नया इंस्टेंस लॉन्च करूंगा इसके लिए, इस डेटाबेस के लिए। तो अभी मैं डेटाबेस यूज नहीं करूंगा, ये हमारा प्राइवेट सबनेट होगा। तो याद रखना, कई बार पूछता है कि मुझे पब्लिक से प्राइवेट में जाना तो कैसे जाओ, तो बाय डिफॉल्ट एक VPC के अंदर बाय डिफॉल्ट 200 सबनेट बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकिन दोनों जो सबनेट है पब्लिक और प्राइवेट कहाँ पे है, VPC के अंदर ही है ना, VPC के अंदर ही है, तो दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये दोनों आपस में बात कर सकते हैं, पॉसिबल। अगर आपको पब्लिक से प्राइवेट में जाना है तो हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक और मशीन लॉन्च करूंगा, उसको प्राइवेट सबनेट में लॉन्च करूंगा और उसको पब्लिक IP असाइन नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये भी हम कर लेते हैं, पब्लिक से प्राइवेट में जाना डेटाबेस में पॉसिबल है। ट्रैफिक ऐसे आएगी, यहाँ से आप आ रहे हो, यहाँ से ऐसे जा सकते हो, लेकिन मुझे डेटाबेस से कुछ कंटेंट बाहर निकलना है तो उसके लिए मैं नेट गेटवे का यूज करूँ। ठीक है, उसके लिए हम नेट गेटवे यूज करें। तो एक और सबनेट हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। ठीक है, ये काम तो हो गया हमारा, इसको आप चाहो तो कैंसिल कर लो, कैंसिल नहीं जरूरत पड़ेगी, इसको मैं कैंसिल करता हूँ और वापस आते हैं EC2 में। ठीक है, SPI सर्वर ये पब्लिक था, एक और लॉन्च करते हैं फॉर डेटाबेस। ये मान के चलो आपका 2-tier आर्किटेक्चर, तो कंपनी में ऐसे ही बनाते हैं। मैंने लिखा SPI-private, उसके बाद सेम कहानी होगी, हमें पूरा लेके चलना पड़ेगा, T2 फ्री लेके चलता हूँ, की पेयर ऑलरेडी हमारे पास SPI के नाम से, किस नाम से था, SBI प्रोजेक्ट। तो ये रहा मेरे पास SBI प्रोजेक्ट, मैंने सेलेक्ट किया, नेटवर्क सेटिंग मस्ट कंपलसरी है, VPC आप सेलेक्ट कर लीजिए SBI, इस बार आपने देना नॉट पब्लिक प्राइवेट सबनेट, डन। अब यहाँ पे देखो पब्लिक IP आर्टिसाइन चाहिए आपको, नहीं मुझे डेटाबेस है भाई, डेटाबेस को सिक्योर करना है। आजकल कंपनी में देखो क्या होता है ना,
हम पब्लिक इंस्टेंस पे भी पब्लिक आईपी नहीं रखते, क्यों? उसके लिए कंपनी यूज करती है जंप सर्वर, पैशन होस्ट, समझ रहे हो, उसको सिक्योर करने के लिए। जैसे आपको नरेंद्र मोदी से मिलना है, तो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आप डायरेक्ट नहीं मिल पाओ, उसके पहले लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, पहले आप उनसे मिलिए, ठीक है, उनके फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी से, फिर सेकेंड सिक्योरिटी, फिर थर्ड, तो ऐसे हम सिक्योर करके रखते हैं, डायरेक्टली लोग एक्सेस ना कर पाए। इवन आफ्टर कंपनी में वर्किंग लोग है ना, उनको भी एक्सेस नहीं दिया जाता, क्यों? डेवलपर है, डेवऑप्स इंजीनियर है, इंफ्रा इंजीनियर है, लिनक्स एडमिन है, बोलता है मुझे पैच अपडेट करना है, मत डायरेक्ट मत जा सर्वर पे, तू जंप सर्वर से आ, है ना? तो ऐसे 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 एक्सेस हम देते हैं। तो ये सारा काम होता है इंफ्रा का, टीम मैनेज करते, इंफ्रा बनाने के बाद सिक्योर करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे दिया डिसेबल, उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं, वही हमारे पास बना होता है एग्जिस्टिंग SBI सिक्योरिटी ग्रुप, बस इतना करने के बाद करते हैं लॉन्च। तो अभी मेरा रनिंग हो गया, देखो प्राइवेट को एक्सेस कर पाओगे, यहाँ पे देखो पब्लिक आईपी नहीं, प्राइवेट आईपी है, जरा ट्राई करो प्राइवेट आईपी का यूज कर। सी आई एम यूजिंग माय सीएमडी, सीटी करके डाउनलोड में चले जाओ, डाउनलोड में मेरी की पड़ी हुई है, आप ऐसे सर्च करो EC2 माइनस यूजर @ लो प्राइवेट आईपी माइनस आई और SBI प्रोजेक्ट, पॉसिबल नहीं है, आप एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट आईपी का यूज करके, ठीक है? तभी तो आपके AWS बोलते हैं मैं आपको पब्लिक दे रहा हूँ, बाहर से एक्सेस करना है। पब्लिक हिट मारोगे तो आपकी ट्रैफिक रीडायरेक्ट होती है प्राइवेट, जो आपका डेटा सेंटर में पड़ा होता है, ठीक है, आप एक्सेस नहीं कर पाओ। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैं अभी इस सर्वर को एक्सेस कर चुका हूँ, जो मेरा पब्लिक सर्वर था, तो पब्लिक को एक्सेस करके प्राइवेट में तो जा सकते हैं ना, ये तो एक ही VPC के अंदर है, अगर 200 है, 5 सबनेट भी है, 6 सबनेट है, तो आपस में बात कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे, आपके पास की थी, एक की पड़ा हुआ था आपके पास, कुछ मत करो, उसी नाम की को कॉपी कर लो, और कॉपी करके आप यहाँ से एक्सेस कर लो, ठीक है? तो मैं वही करने जा रहा हूँ, ये मेरा पब्लिक है, सीढ़ी करके बाहर आ जाओ, यहां से आपने क्या करना है, SBI प्रोजेक्ट पैन एक की हम बनाते हैं, और इस की के अंदर जो मेरी की पड़ी हुई थी उसको आप कॉपी कर लो, ठीक है? मैंने यहां से कॉपी किया इस की को, कंट्रोल ए कंट्रोल सी नाउ कंट्रोल वी, सॉरी अगेन चलते हैं, नाउ प्रेस इन इंसर्ट मोड, अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कॉपी बराबर पेस्ट होनी चाहिए, सेव करिए, सिर्फ कोलन WPT की मिशन मार, और इसमें आप CH मोड करके 400 की परमिशन लगा 400, ठीक है? ये आपको लिनक्स में पता होना चाहिए, अगर मैंने 400 लिखा ऑनर ग्रुप और अदर्स को क्या परमिशन दे रहे हैं, ठीक है, पता होना चाहिए, लिनक्स बेसिक है, मस्ट है, आप क्लाउड पे आ रहे हो, डेवॉप्स में आ रहे हो, लिनक्स आपको आना चाहिए, ठीक है? CH मोड करके मैंने SBI पैन प्रोजेक्ट को दे दिया, राइट? अब यहाँ से बैठ के आप चाहो तो प्राइवेट आईपी का यूज करके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? मैंने किया प्राइवेट आईपी, इसको उठा लीजिए कॉपी,
SSH, right? EC2 minus user at the rate private IP. ठीक है, तो देखो मैं एक्सेस कर पाया कहां से, अकॉर्डिंग टू दिस। तो एक वीपीसी के अंदर जितने भी सबनेट है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल। तो मैंने की को जनरेट किया और की को परमिशन दे दी, कॉपी करके पेस्ट किया और शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सर्वर में बार बार एक्सेस करना पड़ता है, तो आप की जनरेट करिए, सर्वर में शेयर कर दो, SSR sync का यूज करके, SCP कमांड का यूज, ये सारा लिनक्स में टॉप, ठीक है, पॉसिबल है, पॉसिबल। एक वीपीसी के अंदर जितने नंबर ऑफ सबनेट है सब सबनेट को यूज करके आपस में कम्युनिकेट करा सकते, राइट। अब बात ये आ रही है, क्या आपकी ट्राफिक यहाँ से बाहर जा पाएगी? अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू दिस, ये मेरा प्राइवेट सबनेट सर्वर है, ठीक है, जो अभी मैंने लॉन्च किया डेटाबेस को। तो अगर आप यहाँ से बैठ के अगर पिंग कराते हो, ठीक है, पिंग DNS को करा लीजिए, क्या आपके ट्रैफिक बाहर जा पा रही? नहीं है, स्टॉप। मतलब कि अंदर तो आ गए कहाँ से, यहाँ से आप ऐसे घूम के फिर के ऐसे पब्लिक सबनेट से प्राइवेट में भी चले गए, आप यहाँ पे बैठे हो, इस मशीन में बैठे हो। अब हाउ इज इट पॉसिबल, मान के चले डेटाबेस, मुझे यहाँ से ट्रैफिक को बाहर निकालना है, तो आप वापस नहीं जा पाओगे ना। तो आपको AWS क्या बोलता है, मैं आपको देता हूँ नेट गेटवे, नेट गेट। और नेट गेटवे फ्री नहीं होता, चार्जेबल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट। तो आप क्या करोगे, नेट गेटवे क्रिएट करोगे और इस नेट गेटवे को अटैच करोगे पब्लिक सबनेट में, पब्लिक सबनेट में। तो जैसे ही आप अटैच करोगे तो आपकी ट्रैफिक बाहर निकल जाएगी, मतलब आपका पिंग होने लगे, ठीक है। तो कई बार पूछता है डिफरेंस बिटवीन IGW और नेट गेटवे, कई बार डिफरेंस पूछता है पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट, और बेसिक लेवल का ही पूछेगा, हाई लेवल का नहीं पूछेगा। आपसे जज करेगा, आपको देखेगा आप वर्किंग हो, आपको नॉलेज है पर्टिकुलर रिसोर्स का, यस, तो आपको कंपनी में 3 महीने में वो सिखा देती है जो काम लेना रहता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, नेट गेटवे क्रिएट करोगे और इस नेट गेटवे को आप ऑलवेज रिमेम्बर, ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट में अटैच करोगे, इस नेट गेटवे को अटैच करोगे पब्लिक सबनेट, ठीक है। जो पब्लिक सबनेट है इसमें आप अटैच करोगे, तो आपके जो ट्राफिक है वाया नेट गेटवे ऐसे होके यहां से ऐसे करके बाहर निकल जाए, चूजिंग दिस। तो इसको हम बोलते हैं नेट गेटवे। IGW ऑलवेज अटैच इन पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, फॉर प्राइवेट सबनेट वी आर यूजिंग नेट गेटवे, ठीक है। ट्रैफिक को कैसे बाहर निकलना, डेटाबेस से कैसे निकलना, क्योंकि अगर इसमें आना है आपको आपके डेटाबेस में, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं आ पा रहे हो ना, आप पा रहे हो क्या? नहीं, क्योंकि सबनेट एसोसिएशन में हमने पब्लिक किया था, आपकी ट्रैफिक ऐसे होके ऐसे आएगी और यहाँ से बैठ के आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे इस पब्लिक सबनेट से इस प्राइवेट को। अब मुझे यहाँ से बाहर भी जाना है, तो आप क्या करोगे, नेट गेटवे यूज करो, नेट गेटवे क्रिएट करिए और उस नेट गेटवे को अटैच कर दीजिए पब्लिक सबनेट में, ट्रैफिक आपकी बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टास्क। तो ये वाला टास्क आप लोग जरूर करना, ठीक है, मैं आपको हिंट्स बता देता हूँ आप कैसे करोगे। वापस चलो अपने वीपीसी वाले में, तो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा नेट गेटवे, आप क्या करोगे, इस नेट गेटवे को क्रिएट करना, ठीक है। अभी कोई भी नेट गेटवे नहीं है, क्रिएट नेट गेटवे, ठीक है, आप यहाँ पे दे दो SBI माइनस नेट हाइफन GW सबनेट। तो
तो किसके लिए आपको देना है, पब्लिक या प्राइवेट? कई बार इस सिनेरियो में क्वेश्चन पूछता है, पब्लिक दोगे या प्राइवेट दोगे? पब्लिक। चलो मैंने दिया पब्लिक सबमिट। उसके बाद आपसे पूछ रहा है इलास्टिक आईपी, तो आप एक इलास्टिक आईपी एलोकेट कर लो। ये कहाँ से मिलेगी आपको? अमेजोन पूल से, ठीक है। तो आपने किया तो आपको एक इलास्टिक आईपी मिलती है ना, क्रिएट नेट के। डन। अभी आपका ये पेंडिंग स्टेटस में, इसको आप क्या करोगे, अटैच करना होगा, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्रिएट होने में, तो वेट कर लेते हैं। हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो, आ रहा है आवाज? अभी आ रही है? हाँ, अभी आई है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो जब तक नेट गेट पे होगा उसके बाद हम एक राउट टेबल बना लेते हैं। तो क्रिएट करते हैं राउट टेबल। मैंने दिखा यहाँ पे एस नेट हाइफन आर टी हाइफन एस पी आई। उसके बाद बीपीसी हमारा होगा प्रोजेक्ट, आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। राइट। और ये टैग भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। टैग, तो जब भी आप कोई भी इस रिसोर्स को लॉन्च कर रहे हो तो टैग और नेमिंग कन्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और यहां से हम करते हैं इसको क्रिएट। ठीक है, तो ये हमारा राउट टेबल भी रेडी हो गया, इस नाम से नेट आर टी एस पी आई के नाम से। उसके पहले आप चलिए नेट गेटवे में देख लो, ये भी आपका रनिंग हो गया हो, राइट, अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो इसको क्रिएट होने में कम से कम 3 से 4 मिनट आपका लग ही जाए, 3 to 4 मिनट। उसके बाद हमने अपना राउट टेबल बना लिया। अब राउट टेबल के बाद हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं राउट टेबल में और राउट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इस बार हम क्या करेंगे, राउट टेबल पे रूट को डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने ये बनाया था, आप चाहिए राउट के अंदर एडिट रूट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आप सेलेक्ट कर लीजिए 0.0।
और इस बार हमने क्या बनाया था, नेट गेट वे। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो नेट गेट, तो आपका दिख गया एसबीआई नेट गेट वे। दैट्स इट, सेव चेंजेस। उसके बाद एक काम को और करना पड़ेगा, सबनेट एसोसिएशन में जाइए, एडिट सबनेट एसोसिएशन में जाइए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, किसे अलाउ करना है, वेब को, सॉरी पब्लिक को या प्राइवेट को। क्योंकि मुझे ट्रैफिक बाहर निकालनी है, पब्लिक आप सेलेक्ट करोगे कि प्राइवेट। प्राइवेट सर। प्राइवेट, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, देन सेव एसोसिएशन। तो जैसे सेव किया तो देखो वो पिंग नहीं हो रहा था और ये पिंग होने लगा अपने आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रैफिक बाहर कैसे निकालते हैं यूजिंग नेट गेट। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ कनेक्शन को अटैच मारा और अपने आप पिंग होने लगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेट गेटवे का यूज केस, ठीक है। ट्रैफिक मेरी कैसे आ रही थी, ट्रैफिक ऐसे आ रही थी, सब कुछ इनफ्रा हमने कस्टम बनाया। यहाँ से आने के बाद पब्लिक से प्राइवेट में आप गए, प्राइवेट को एक्सेस कर पाए यूजिंग की पड़ी थी, मैंने परमिशन लगाया सीएच मोड से और एक्सेस कर पाया। उसके बाद बाहर निकालने के लिए मैंने नेट गेटवे यूज किया। ऑलवेज रिमेम्बर, कई बार पूछता है नेट गेटवे कहाँ पे अटैच करते हैं, नेट गेटवे मैं वहीं अटैच करूँगा जो पब्लिक होगा। हाँ पब्लिक, हाँ कहाँ से रही है पब्लिक, पब्लिक सबनेट से, उसी नेट गेटवे को हमने क्रिएट किया, अटैच किया पब्लिक सबनेट, पब्लिक सबनेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बार हमें, अब देखो इसमें ना कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है, एक कैंडिडेट मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी की अलग टीम होती है, ठीक है। इंफ्रा बनाने के बाद सिक्योरिटी हब एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है जिसमें हमें डेली काम करना है, ठीक है। एक वीपीसी के अंदर सब कुछ आ जाता है, स्ट्रीम बकेट, वीपीएन, सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप फॉर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो स्केलिंग, ईएलबी, वो सारा हम बात करेंगे वन बाय, ठीक है। तो ये इंफ्रा का पार्ट है, अगर मैंने इंफ्रा बना दिया तो इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, सब कुछ। और जब हम एक इंफ्रा बनाने बैठते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है अगर रिसोर्स बना रहे, इसलिए कंपनी ऑटो मेशन यूज करती है, टेराफॉर्म यूज करती है, क्लाउड फॉर्मेशन यूज करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं वीपीसी इंफ्रा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट में क्या डिफरेंस है, सिक्योरिटी ग्रुप एनएसीएल, राइट। कई बार यहाँ पे पूछ लेता है हमारे पास की है, वो की लॉस्ट हो गई, क्या करोगे। पहले आपको बोलना है सर, कई बार ऐसा भी बोलता है मैं सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ, एक्सेसिबल ही नहीं हो पा रहा, तो आप क्या देख चेक करोगे। तो बेसिक सी बात है कि सबसे पहले मैं सर सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊंगा, पोर्ट चेक करूंगा, एसएसएल चला हुआ नहीं, बोलेगा ओके, देन राइट चेक द की अवेलेबल है कि नहीं। तो क्रॉस क्वेश्चन करें, सपोज आई हैव अ की मेरा लॉस्ट हो गया, क्या करोगे। तो अगर आपने बोला सर मैं दूसरी की क्रिएट करके अटैच कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है ना, पूछ लेगा आप कैसे कर पाओ। अगर आपने सर्वर एक्सेस किया है, की लॉस्ट हो गई, तो आप जाइए डॉट एस एस एच पोर्टल के अंदर क्रिएट करके अटैच मार दो, परमिशन अप्लाई कर दो, पॉसिबल है, लेकिन उसका डिफरेंट वे होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है सिनेरियो बेस, IGW में डिफरेंस क्या है, नेट गेट पे क्यों यूज करते हो, ठीक है। तो ये था हमारा इंफ्रा। अब यहाँ पे आप लोग का कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। एनीवन? हेलो सर, बोलिए। यस सर। सर हम मैकेनिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये सबनेट मतलब क्या होता है, अगर ये नहीं होता यहाँ पे, या फिर डायरेक्टली IGW से मशीन वन पे ही ट्रैफिक आ जाता, अगर सबनेट इन नहीं होता। मैकेनिकल में कुछ टरबाइन और वाइन का नाम पता है, टरबाइन? यस सर। काम किया है थर्मल इंडस्ट्री में? नहीं सर। चलो बताता हूँ, मान के चलो ये आपका नीला नीला टरबाइन है, ठीक। कैसे रोटेट करते हैं टरबाइन को? स्टीम, स्टीम से, स्टीम के लिए। तो ये मान के चलो ये आपका टरबाइन है, ये लाल लाल, मुझे इसको रोटेट करना है, ठीक है, ये एक ही है। तो आप एक ही पाइपलाइन बनाओगे, दो पाइपलाइन बनाओ, या 3-4 बना के रखोगे बाईपास, क्योंकि एक पाइपलाइन अगर फेल होती तो दूसरी पाइपलाइन काम करेगी, ठीक है। तो आप पूछ रहे सबनेटिंग क्या होता है, सबनेटिंग हम इसलिए बनाते हैं
कि हम अपने इंफ्रा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। मतलब मान के चलो आप अपने घर में ही बैठे हो, तो आपका घर क्या है, एक लैंड है, उसके अंदर अलग अलग रूम क्यों बनाया गया? इज एक्सेस के लिए नहीं, आप देखो जैसे मैं हूँ अपने घर के साथ, मेरे 3 भाई है, हम तीनों एक कमरे में नहीं रह सकते ना। अभी तो रह रहे हैं, ठीक है, कल को मेरी शादी होगी, उसको सेपरेट चाहिए, ठीक है, कल को मेरी भी शादी होगी तो मुझे भी सेपरेट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबनेटिंग करते हैं, किसके लिए, इंफ्रा के लिए। लैंड हमारा एक ही होगा, ठीक है, एसबीआई प्रोजेक्ट ने अगर ये सीआईडीआर ब्लॉक दे दिया तो दे दिया, तो मैंने यहाँ पे 2 सबनेट दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है 6 सबनेट चाहिए, 6 सबनेट किस लिए, 2 सबनेट, 2 पब्लिक सबनेट आप तो वेब सर्वर के लिए, 2 आप तो डेटाबेस के लिए, 2 दे दो आप एप्लीकेशन के लिए, किस लिए, हाई अवेलेबिलिटी, एक अगर फेल होता है तो दूसरा स्टैंड में काम काम चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर टर्बाइन रोटेट कर रहे हो तो 2 मान के चलो 3 पाइपलाइन है, 1 पाइपलाइन फट गई कोई दिक्कत नहीं, उसको ब्लॉक करो, दूसरे पाइपलाइन पे स्टीम जाएगी और टर्बाइन रोटेट होगा। हमें हमें करना क्या, बिजली तो जनरेट करना है, तो तभी होगा जब टर्बाइन रोटेट। तो ऐसे ही है। ओके, और ये सर जो सीआईडीआर जो आईपी एड्रेस आपने दिया है उसी का, उसी के रेंज में ये सबनेट का रेंज रहेगा क्या? हाँ, उसी के रेंज में। तो ये आपने प्राइवेट सबनेट, वॉइस ब्रेक हो रहा आपका, वो तो उस रेंज में नहीं आ रहा है ना? कौन सा, वो जो आपने सीआईडीआर वीपीसी को दिया है उस रेंज में? देखो ये 10 का रेंज लिया मैंने, 16। तो हमेशा याद रखना 16 और 24 दोनों में बड़ा कौन, वीपीसी बड़ा। अगर आप यहाँ पे 24 दे तो यहाँ पे 16 लिखोगे ना सबनेट में, एरर आ जाएगा। सर ये IPv4 एड्रेस, IP एड्रेस है ना? हाँ। तो इसके मतलब एक रेंज होती है हाँ, ना कि किसी भी रेंज दे सकते हैं? देखो आप कुछ नहीं, आपको कंपनी में ना एक नेटवर्क दिया जाता है CIDR रेंज कैलकुलेटर, ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज करो, ठीक है, आपको 10 सबनेट चाहिए तो आप क्यों मैनुअल निकालोगे, कंपनी के अंदर ही सब निकल, ठीक है, आपको जो नेटवर्क मिलता है उस नेटवर्क पे यहाँ पे डालो, सेलेक्ट करो, कैलकुलेट करो, आपको दे देगा 5-6 सबनेट, ठीक है, उसको उठा उठा के अटैच कर, हम कैंसिल कर दे। आप मैकेनिकल से, कोई नहीं, मैकेनिकल एक मेरा फ्रेंड था, ही इज वर्किंग इन आईटी, एसेंशियल है, अच्छा पैकेज ले रहा है, 9 LPA, और बहुत खुश है। ये जो सिंपल सिंपल टर्म होते हैं जो हमने कभी किए नहीं, जैसे इंटरनेट जीरो करके, ये कुछ नहीं, सारा वर्चुअल है। आज आप देखो, आप मैकेनिकल से काम किए तो आपने मैकेनिकल चीजें देखी, टर्बाइन देखा होगा, बॉयलर देखा होगा, आपने मैनुअल काम किया होगा, ठीक है। 10 साल पहले आईटी वाले भी राउटर स्विच कॉन्फ़िगर करते थे, आज ना आईटी वाले कर पा रहे हैं ना नॉन आईटी वाले, सबके लिए वर्चुअल है। जो कंपनी में काम भी कर रहे हैं ना आईटी में, तो उनको भी नहीं पता राउटर स्विच, सब वर्चुअल है, वर्चुअल कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ पड़ा हुआ है, सेट कर लो वर्चुअल, ठीक है। सारा खेल है प्रैक्टिस का।